पंजाब असम्बली से मंजूर हतक इज़्ज़त बिल कानून बन गया है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद ख़ान ने हतक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। गज़ट नोटिफिकेशन के बाद नाफिजुल अमल होगा। दूसरी जानिब हतक इज़्ज़त का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक हतक इज़्ज़त ऑर्डीनेंस और हतक इज़्ज़त एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। हतक इज़्ज़त का कानून जल्दबाजी में सहाफ़ियों और मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। अदालत आइन और कानून के मनाफी करार देकर कालदम करार दे। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक पंजाब हुकूमत को भी फरीक बनाया गया है। पंजाब असम्बली से मंजूर हतक इज़्ज़त बिल कानून बन गया है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद ख़ान ने हतक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। गज़ट नोटिफिकेशन के बाद नाफिजुल अमल होगा। दूसरी जानिब हतक इज़्ज़त का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक हतक इज़्ज़त ऑर्डीनेंस और हतक इज़्ज़त एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। हतक इज़्ज़त का कानून जल्दबाजी में सहाफ़ियों और मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। अदालत आइन और कानून के मनाफी करार देकर कालदम करार दे। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक पंजाब हुकूमत को भी फरीक बनाया गया है। पंजाब असम्बली से मंजूर हतक इज़्ज़त बिल कानून बन गया है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद ख़ान ने हतक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। गज़ट नोटिफिकेशन के बाद नाफिजुल अमल होगा। दूसरी जानिब हतक इज़्ज़त का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक हतक इज़्ज़त ऑर्डीनेंस और हतक इज़्ज़त एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। हतक इज़्ज़त का कानून जल्दबाजी में सहाफ़ियों और मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। अदालत आइन और कानून के मनाफी करार देकर कालदम करार दे। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक पंजाब हुकूमत को भी फरीक बनाया गया है। पंजाब असम्बली से मंजूर हतक इज़्ज़त बिल कानून बन गया है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद ख़ान ने हतक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। गज़ट नोटिफिकेशन के बाद नाफिजुल अमल होगा। दूसरी जानिब हतक इज़्ज़त का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक हतक इज़्ज़त ऑर्डीनेंस और हतक इज़्ज़त एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। हतक इज़्ज़त का कानून जल्दबाजी में सहाफ़ियों और मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। अदालत आइन और कानून के मनाफी करार देकर कालदम करार दे। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक पंजाब हुकूमत को भी फरीक बनाया गया है। पंजाब असम्बली से मंजूर हतक इज़्ज़त बिल कानून बन गया है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद ख़ान ने हतक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। गज़ट नोटिफिकेशन के बाद नाफिजुल अमल होगा। दूसरी जानिब हतक इज़्ज़त का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक हतक इज़्ज़त ऑर्डीनेंस और हतक इज़्ज़त एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। हतक इज़्ज़त का कानून जल्दबाजी में सहाफ़ियों और मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। अदालत आइन और कानून के मनाफी करार देकर कालदम करार दे। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक पंजाब हुकूमत को भी फरीक बनाया गया है। पंजाब असम्बली से मंजूर हतक इज़्ज़त बिल कानून बन गया है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद ख़ान ने हतक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। गज़ट नोटिफिकेशन के बाद नाफिजुल अमल होगा। दूसरी जानिब हतक इज़्ज़त का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक हतक इज़्ज़त ऑर्डीनेंस और हतक इज़्ज़त एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। हतक इज़्ज़त का कानून जल्दबाजी में सहाफ़ियों और मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। अदालत आइन और कानून के मनाफी करार देकर कालदम करार दे। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक पंजाब हुकूमत को भी फरीक बनाया गया है। पंजाब असम्बली से मंजूर हतक इज़्ज़त बिल कानून बन गया है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद ख़ान ने हतक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। गज़ट नोटिफिकेशन के बाद नाफिजुल अमल होगा। दूसरी जानिब हतक इज़्ज़त का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक हतक इज़्ज़त ऑर्डीनेंस और हतक इज़्ज़त एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। हतक इज़्ज़त का कानून जल्दबाजी में सहाफ़ियों और मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। अदालत आइन और कानून के मनाफी करार देकर कालदम करार दे। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक पंजाब हुकूमत को भी फरीक बनाया गया है।